वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। मकर संक्रांति का पर्व बेहद ही खास माना गया है। वैसे तो मकर संक्रांति हर बार 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस बार 15 जनवरी को ये पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दान पुण्य करने का महत्व होता है। इस दिन किया गया दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वहीं इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के कई संकट दूर होते हैं। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना भी है, जिसका हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के पर्व के बारे में विस्तार से। 2020 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को उत्तरायण कहते हैं। इस साल 14 जनवरी को रात्रि में सूर्य उत्तरायण होगा। 14 जनवरी की रात्रि में 2:22 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा और शाम 5:34 तक रहेगा। इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति उदय व्यापनी तिथि होगी, जिस कारण 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दान और स्नान 15 जनवरी को ही किया जाएगा। वैदिक शास्त्रों के मुताबिक उत्तरायण देवताओं का दिन है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान, सूर्य उपासना, जप, अनुष्ठान, दान का विशेष महत्व है। संक्रांति के दिन दान करने को सबसे अच्छा माना गया है। इस दिन काले तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल आदि का दान किया जाता है और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व माना गया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें वैदिक टीवी से।